निजी स्कूल संचालकों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, अपनी मांगों के संबंध में बात रखी। निजी स्कूल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम सतवास तहसीलदार प्रियंका चौरसिया को ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के दौरान निजी स्कूल संचालक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से स्कूल लगातार बंद है। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल की मान्यता नवीनीकरण के लिए निरीक्षण कराया जा रहा है। हमारी मांग है कि पूर्व की भांति वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 तक की मान्यता का नवीनीकरण बिना किसी परीक्षण के किया जाए। टीसी के संबंध में भी मांग रखी। अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि अनिवार्य एवं निशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों में निशुल्क प्रवेश फीस की आपूर्ति की जाए और इसी तरह अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सतवास तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के दौरान दलजीत सिंह भाटिया, अमित कुंडल सहित सतवास कांटाफोड़ लोहारता के निजी स्कूल संचालक उपस्थित थे। हम सभी शासकीय विद्यालय के स्कूल संचालक आज हमारे शासन से मांग करना है कि दो साल हो गए खत्म होने वाला है ना, हमारे आरटी की फीस आ रही है। सबसे पहले तो हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। शासन से जो हमारा आरटी का पेमेंट बाकी वो हमें अतिशीघ्र दें, एक मांग ये है। दूसरा, शासन ने नियम बहुत सारे बना दिए हैं और स्कूल खोल नहीं रही है, उससे जल्दी जल्दी स्कूल खोलें। और हम शासन से एक निवेदन ये भी करना चाह रहे हैं, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है तो हमारे किस्तों में जो ब्याज लग रहा है उसे माफ़ करा जाए और हमारी मान्यता 5 साल के लिए रेगुलर जारी रहे, जिसमें संबद्धता शुल्क जो दिया जा रहा है उसको माफ़ किया जाए। ये बहुत सारी अनेक मांग को लेकर हमने आज शासन को मांग पत्र दिया है मुख्यमंत्री के नाम से तहसीलदार मैडम, और कल से हम पूरे ब्लॉक में तालाबंदी कर रहे हैं। स्कूल में सभी कामकाज बंद कर देंगे, ताला लगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। पूरा प्रदेश संगठन के आह्वान पर ये कार्य किया है। शासकीय विद्यालय के स्कूल संचालक आज हमारे शासन से मांग करना है कि दो साल हो गए हैं, दूसरा सत्र खत्म होने वाला है ना, हमारे आरटी की फीस आ रही है। सबसे पहले तो हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। शासन से जो हमारा आरटी का पेमेंट बाकी है वो हमें अतिशीघ्र दें, एक मांग ये है। दूसरा, शासन ने नियम बहुत सारे बना दिए हैं और स्कूल खोल नहीं रही है, उससे जल्दी जल्दी स्कूल खोलें। और हम शासन से एक निवेदन ये भी करना चाह रहे हैं, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था चरमरा गई है तो हमारे किस्तों में जो ब्याज लग रहा है उसे माफ़ करा जाए और हमारी मान्यता 5 साल के लिए रेगुलर जारी रहे, जिसमें संबद्धता शुल्क जो दिया जा रहा है उसको माफ़ किया जाए। ये बहुत सारी अनेक मांग को लेकर हमने आज शासन को मांग पत्र दिया है मुख्यमंत्री के नाम से तहसीलदार मैडम, और कल से हम पूरे ब्लॉक में तालाबंदी कर रहे हैं। स्कूल में सभी कामकाज बंद कर देंगे, ताला लगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल है। पूरा प्रदेश संगठन के आह्वान पर ये कार्य किया जाए। वॉइस ऑफ प्राइड के लिए सतवास से सुमित शर्मा की रिपोर्ट।